रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदित्य शहजाद। आज के लेक्चर में ना बच्चों हम पार्ट टू की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सोल्ड एग्जांपल्स चैप्टर के अंदर दी होती हैं उनमें से पहले हमारा टारगेट है फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हमने अभी टॉपिक ही एक पढ़ा है कॉलम्स ला, तो कॉलम्स ला के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। आइए इसका आगाज करते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बेटे आप अपनी बुक्स निकाल लें, पेज नंबर 3 पे ये एग्जाम्पल दी गई है। 12.1 चार्जिस Q1 100 माइक्रो कूलम एंड Q2 50 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन। आपके पास दो चार्जेस हैं बच्चों, एक 100 माइक्रो कूलम है, आप इसको कूलम्स में लिख सकते हैं, माइक्रो को 10^-6 कूलम लिख सकते हैं, और दूसरा Q2 50 है तो आप इसको भी 10^-6 कूलम की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ना XY प्लेन के अंदर है, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से XY प्लेन में पड़े हुए हैं। एक एक्स एक्सिस बच्चों बना दें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों चार्जेस हैं। अब कहाँ पे है जी, पोजीशन जो उनकी है R13J पे। R1 जो है जो मतलब चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली वो 3J है। सपोज दैट 3J यहाँ पे है और ये R1 है, ये वाला डिस्टेंस R1 मतलब चार्ज जो है वो Q1 का, Q1 3J पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से जो R2 है वो 4I पे पड़ा हुआ है, ये है आपके पास R2, ठीक है जी। दो आपके पास चार्जेस हैं, चार्ज 1 3J पे पड़ा हुआ है और चार्ज 2 जो है वो आपके पास 4I पे पड़ा हुआ है। करना क्या आपने बच्चों, आपने यहाँ पे कैलकुलेट दी फोर्स ऑन Q2, आपने जो है वो चार्ज जो Q2 है इसके ऊपर फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू चार्ज Q1। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, आपने फोर्स मालूम करनी है F21 चार्ज Q2 के ऊपर जो लग रही है, तो आप बेटे कॉलम ला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कॉलम ला का फार्मूला Q1 Q2 और R2 और साथ में ये यूनिट वेक्टर आ गया। सबसे पहले हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और R21 बच्चों होगा इन दोनों का डिफरेंस R2 - R1। R2 की वैल्यू क्या है 4I और -R1 की वैल्यू क्या है 3J। तो ये आपके पास आ गया R21 वेक्टर की फॉर्म में आ गया बच्चों। अब आप इसका मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, 4 4 16 3 3 9 ये 25 हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। ये मैग्नीट्यूड आ गया बेसिकली R21 जो आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, सही हो गया। अब आप ये यूनिट वेक्टर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, वो होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या आया था 4i - 3j और मैग्नीट्यूड क्या आया 5, तो यूनिट वेक्टर की भी वैल्यू आ गई। अब आप कूलम लॉ के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। के कूलम कांस्टेंट 9 × 10^9, Q1 100 माइक्रो कूलम, Q2 50 माइक्रो कूलम, और साथ में यूनिट वेक्टर की वैल्यू और पीछे आपके पास नीचे मैग्नीट्यूड का स्केयर आर का स्केयर आ गया। यहाँ पे आप इसको इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, आप पावर्स को लहदा ले जाएंगे और बाकी फैक्टर्स को सेपरेट रख लें, इनको लहदा से मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स को सोल्व करेंगे तो बच्चों -3 बचेगा, ये -12 और +9 करेंगे तो -3 बचेगा। इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, 9 को 100 से करेंगे, 950 से करेंगे तो 45,000 बचेगा, और नीचे 5 5 25 और ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 125 आ जाएगा। अब साथ में ये वेक्टर मौजूद है बेटे, ये इसका आंसर 360 × 10^-3 आ गया, साथ वेक्टर मौजूद है, इसको आप 0.36 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वेक्टर फॉर्म में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.44i - 1.08j। अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, फोर्स आएगी 1.8 न्यूटन। डायरेक्शन के लिए बेटे थीटा आपने फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स y ओवर x, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट,
आप करेंगे तो आपके पास माइनस 36 माइनस समथिंग आंसर आएगा, और आप अपनी आसानी के लिए इसको 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये बेटे फर्स्ट एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट फरमा लें, आपको कहीं से समझ ना आए तो आप दोबारा से इसको थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।